हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग बिहार करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित है ऑनलाइन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज के जितने भी एग्जाम्स अपने बिहार में हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स में और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस की भूमिका बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के लिए उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होता रहा है अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग। और अब बीपीएससी विद्यापीठ वीक में एक दिन करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड लेकर उपस्थित होता रहेगा। आज इसका दूसरा वीडियो जारी किया जा रहा है, वन लाइनर अप्रोच बिहार करंट अफेयर्स। और देखिए कि आज का सबसे पहला जो हमारा है मैटर वो ये कि हाल ही में बिहार में मुखिया का मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अभी बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और बिहार कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया है उसके अकॉर्डिंग मुखिया का मानदेय बढ़ा करके आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं, 5,000 कर दिया गया है जो पहले 2,500 था। याद रखें ब्रैकेट वाला है जो पहले था और यहाँ अभी जो किया गया है। तो कैबिनेट के डिसीजन के अकॉर्डिंग अब बिहार में मुखिया का मानदेय 5,000 होगा, पहले 2,500 था। जस्ट इसी कैबिनेट की मीटिंग से रिलेटेड है कि सरपंच का मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं सरपंच का मानदेय बढ़ाकर, सॉरी क्षमा करें, इसी ऊपर है उप मुखिया का मानदेय कितना हो गया है। उप मुखिया का मानदेय हो गया है अब 2,500, 2,500 और पहले था 1,200। तो मुखिया का मानदेय आपको 2,500 से बढ़ाकर 5,000 और उप मुखिया का 1,200 से बढ़ाकर 2,500। ठीक यही कंडीशन है सरपंच और पंच का। हम सभी जानते हैं कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में न्यायपालिका की व्यवस्था है और बिहार पंचायती राज व्यवस्था में जो न्यायपालिका है, पंचायती सरकार की जो न्यायपालिका है, उसे ग्राम कचहरी कहते हैं। और पंचायती सरकार की जो न्यायपालिका है ग्राम कचहरी, उसका प्रधान सरपंच और अन्य पंच कहलाते हैं, इनके भी मानदेय को बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सरपंच का मानदेय बढ़ाकर ठीक मुखिया के तरह 5,000 कर दिया गया है और पहले इनका भी 2,500 था। और उप सरपंच का मानदेय बढ़ाकर ठीक उप मुखिया के तरह 2,500 कर दिया गया है और इनका भी पहले 1,200 था। तो निश्चित रूप से ये करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं और इन पर सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल है। इसके बाद अगला है कि बिहार के कितने जिलों में सरकार द्वारा जिला संयुक्त औषधालय और जिला संयुक्त औषधालय में किस किस चिकित्सा पद्धति से संबंधित औषधालय होगा। तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी। तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को संयुक्त करते हुए बिहार कैबिनेट द्वारा कितने जिला संयुक्त औषधालय खोलने की घोषणा की गई है। तो यह 12, यानी बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार अब बिहार में जिला संयुक्त औषधालय, यह भी प्रश्न पूछेगा कि जिला संयुक्त औषधालय में किस किस चिकित्सा पद्धति से संबंधित औषधियों की उपलब्धि होगी। तो आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा एवं यूनानी चिकित्सा, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, और इनसे रिलेटेड 12 संयुक्त जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना की जाएगी। अगला है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार आईटी पॉलिसी, बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर, और ऐसे पॉइंट हर जगह काम करेगा। जैसे आप बीपीएससी मेंस लिखने जाएंगे तो आईटी के सेक्टर में गवर्नमेंट और बिहार का लिया गया डिसीजन, या बिहार में आईटी का डेवलपमेंट पूछता है तो वहाँ भी पॉइंट काम करेगा। यानी हर दृष्टिकोण से ये बिंदु आपको कार्य करेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कैबिनेट के डिसीजन के अकॉर्डिंग हाल ही में बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई। यह पॉलिसी कितने समय के लिए लागू रहेगी बिहार में? तो यह पॉलिसी 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी बिहार में आईटी पॉलिसी। नेक्स्ट है कि बिहार कैबिनेट द्वारा 45वां सरकारी विभाग के रूप में किस विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? अभी तक गवर्नमेंट और बिहार के पास 44, ये भी क्वेश्चन क्रॉस में आ जाएगा कि वर्तमान में बिहार सरकार के पास कितने विभाग हैं। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आएगा कि वर्तमान में बिहार सरकार के पास या कितने सरकारी विभाग हैं, तो 45, इससे पहले 44 थे, और 45वां विभाग जो एक स्वतंत्र विभाग होगा, सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, 45वां विभाग के रूप में किस विभाग के खोलने को मंजूरी दी गई है? यह है खेल विभाग, प्ले डिपार्टमेंट। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्वतंत्र खेल विभाग के अंतर्गत कौन कौन से संगठन शामिल होंगे। ये जो खेल डिपार्टमेंट बिहार के 45वें डिपार्टमेंट के रूप में शामिल किया जाएगा, इसमें किस किस संगठन को रखा जाएगा, किस किस की मॉनिटरिंग या निरीक्षण इसके जिम्मे होगी? तो दो है, खेल विश्वविद्यालय और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो पहले से ही कार्यरत हैं, और खेल विभाग के अंदर इन दोनों को रखा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हमारे लिए है, और बीपीएससी विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग लगातार आप सभी के समक्ष उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होता रहेगा। इस पर विश्वास रखें, और सभी बच्चे तन्मयता से लगातार वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसको आत्मसात करते चले जाए तो एक अच्छा खासा मटेरियल आपको मिलेगा विद्यापीठ की तरफ से, जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी, या आप कहें कि सर्व उपयोगी होगा। इसके बाद अगला है कि हाल ही में किस तिथि को थारू दिवस मनाया गया? याद रखें, बिहार के थारू जनजाति को कुछ समय पहले आपको जनजाति एस टी का दर्जा दिया गया, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तो हर वर्ष थारू दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न एवरग्रीन भी है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को थारू दिवस मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को, और ये करंट में होगा कि हाल ही में किस तिथि को थारू दिवस मनाया गया, तो 8 जनवरी को। और थारू जनजाति जो तराई वाले क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र को थारूहट कहा जाता है, थारूहट, तो थारूहट क्षेत्र में रहने वाले थारू जनजाति को ST शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। अगला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जो काफ़ी पूछे जाते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में कौन सा स्थान मिला? 46 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला या कौन सा रैंक मिला? तो भाई हमारा बिहार स्वच्छता में तो पिछड़ता ही रहा है, लेकिन चलिए फिर भी अच्छी स्थिति रही। हर बार तो आपको इंदौर पहला स्थान ले ही जाता है, लगातार 8वीं बार पहला स्थान ये ले चुका है, और इस बार पटने की भी स्थिति में सुधार हुई है, क्योंकि पहले की तुलना में इसका रैंकिंग बढ़ा है, और इस बार पटना को 25वां स्थान मिला है। इसके बाद अगला है, उसी से रिलेटेड है, स्वच्छता सर्वेक्षण जब जारी होता है हर वर्ष, तो
तो उसका डेटा काफी पूछा जाता है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में गंगा के किनारे बसे देश के 88 शहरों, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आपका पूछेगा क्रॉस क्वेश्चन कि गंगा के किनारे देश में कितने शहर बसे हुए हैं, तो 88। और गंगा के किनारे बसे देश के 88 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला, ये अच्छी बात है कि 88 शहरों में पटना को छठा स्थान दिया गया, सिक्स्थ रैंकिंग है। पिछले बार के बीपीएससी पीटी में हम लोगों ने देखा कि यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नांकित में कौन बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, यह क्रॉस क्वेश्चन होता है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आया है उसमें हमारा यह मटेरियल भी समाहित हो जाएगा कि बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने शहर या नगर बसे हुए हैं। अगला आप देखें आगे है कि स्वच्छता सर्वे 2023 में गंगा के किनारे बसे बिहार के अन्य शहरों को कौन सा रैंकिंग दिया गया, इससे हमारा दो प्रश्न बनेगा। एक ये बनेगा कि बिहार में, ये तो करंट में बनेगा कि किसको कौन सा रैंकिंग दिया गया, और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी बनेगा कि बिहार के कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक माने डबल दोहरा लाभ देने वाला यह मटेरियल होगा। तो पटना तो है ही, पटना को छठा रैंक मिला। इसके बाद आप देख सकते हैं बढ़िया को 14वां रैंक मिला है, सुल्तानगंज को 15वां रैंक मिला है, हाजीपुर को 20वां रैंक मिला है, कहलगांव का 21वां रैंक मिला है, बेगूसराय को 22वां रैंक मिला है, सोनपुर को 23वां रैंक मिला है, मोकामा को 28वां रैंक मिला है, और छपरा को सबसे निचला पायदान मिला है, क्योंकि गंगा के किनारे भारत में कुल 88 शहर जो काफी महत्वपूर्ण है बसे हुए हैं, और 88 शहर में सबसे निचला स्थान अपने बिहार के छपरा को मिला है। तो कई दृष्टिकोण से यह हम लोगों के लिए उपयोगी सामग्री है, और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट से कभी डिगता नहीं है और आप सभी के समक्ष हर समय उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होता रहता है, ताकि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यापीठ की तरफ से सहयोग मिलता रहे। अगला है कि दुबे टोला गांव काफी चर्चित था, बिहार का मॉडल गांव हो गया। दुबे टोला गांव को हाल में बिहार का पहला बाल विवाह मुक्त गांव घोषित किया गया। ये बड़ी यूनिक चीज है, हम सभी जानते हैं कि सरकार लंबे समय से बाल विवाह को समाप्त करने, दहेज प्रथा को समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई है, तो भाई एक बड़ी सफलता मिली है, और बिहार का पहला गांव जो बाल विवाह मुक्त गांव हो गया वह हो गया दुबे टोला गांव। तो प्रश्न है कि दुबे टोला गांव को हाल में बिहार का पहला बाल विवाह मुक्त गांव घोषित किया गया, यह गांव बिहार के किस जिला में है, तो यह गाँव बिहार के सीतामढ़ी जिला में। तो इतने सारे करंट अफेयर्स अगर हम लोग वीक में पढ़ते चले जाए तो निश्चित रूप से, और ये अनुभव की चीज होती है, बहुत सारे आप देखेंगे बिहार में करंट अफेयर्स के लिए बच्चे काफी परेशान रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि छोटा से छोटा जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता है उसको करंट अफेयर्स में ले लेता है बिहार। तो ये अनुभव की चीज है, और मेरा विश्वास है कि इस पर दूसरा वीडियो जारी किया जा रहा है, और वीक में एक वीडियो जरूर बिहार करंट अफेयर से जारी किया जाएगा बीपीएससी विद्यापीठ द्वारा। और आप सभी को अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें आपको अच्छा लगता हो या खराब लगता हो या किसी सुधार की आवश्यकता महसूस होती हो, तो बीपीएससी विद्यापीठ हर समय आपके लिए डिवोटी है, इसीलिए आप बिना किसी हिचकिचाहट के कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और पुनः विद्यापीठ
उपयोगी सामग्री के लिए उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।